जमीन पर सैकड़ों लड़ाइयां देखी। आसमान में एक दूसरे को शिकस्त देने वाला शह और मात का खेल देखा। पाताल में घुसपैठियों को ढेर करने वाला दाव भी देखा। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगला रण क्षेत्र अंतरिक्ष में होगा। यूं कहें कि स्पेस में जंग की तैयारी। आपको याद होगा जब हॉलीवुड की फिल्म स्टार वॉर रिलीज हुई थी, तब लोगों ने इस फिल्म का खूब लुत्फ उठाया था। आसमान की इस फैंटेसी को लोगों ने खूब एंजॉय किया था और इस फिल्म ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन आज की तारीख में ये महज एक फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। अंतरिक्ष की दुनिया में युद्ध की हकीकत। अमेरिका, चीन और रूस तेजी से अंतरिक्ष के लिए हथियार बना रहे हैं। रूस और चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दी है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों देश ऐसे वेपन्स डेवलप कर रहे हैं जिससे एक दूसरे के सैटेलाइट को खराब या फिर तबाह किया जा सके। इससे अंतरिक्ष में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। स्पेस वॉर यानी अंतरिक्ष में युद्ध अब कोरी कल्पना नहीं, रुपहले पर्दे पर दिखने वाली ये जंग अब हकीकत में करीब पहुंचने वाली है। मौजूदा दौर में अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देशों के अलावा कई और देश भी अंतरिक्ष में तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में स्पेस वॉर की आशंका को नकारा नहीं जा सकता और जरा सी चूक एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। CSIS यानी कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में एरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कैटरीन जॉनसन ने कहा है, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ बढ़ रही है। इनमें से हर एक देश अलग अलग तरह के काउंटर स्पेस क्षमताएं विकसित करने में लगा है जिनसे दूसरों की अंतरिक्ष संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा सके। किसी भी देश के सैटेलाइट को मार गिराने का मतलब है कि उस देश की संचार, नेविगेशन और सर्वेलांस समेत कई सुविधाओं का अचानक से ठप हो जाना। हाल ही में अमेरिका की ओर से संदिग्ध चीनी गुब्बारे या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराए जाने की घटना को ऐसे ही युद्ध के छोटे स्वरूप के तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया में जासूसी सैटेलाइट की शुरुआत यूएस जैसी कंट्रीज ने किया था, वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, और उसका सबसे बड़ा एम था एक टैक्टिकल, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना, और वो भी लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जासूसी सैटेलाइट अकेली ऐसी सैटेलाइट थी जो पिन पॉइंटेड आपको खबर दे पाती थी दुश्मन के बारे में, पहली बात, और दुश्मन आपके बारे में ना पता कर पाए वो उसको भी एक तरीके से क्लाउड ले आती थी, उसको एक पार्शियल उसकी एक्सेसिबिलिटी डिनाई करती थी। सबसे बड़ा फायदा जासूसी सैटेलाइट का ये भी है कि आप उसे पीस टाइम में, ऑल वेदर, पूरे साल में, हर समय दुश्मन के ऊपर नजर रख सकते हैं, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, और उसको आप कोलेट कर एट द टाइम ऑफ अटैक, या अगर दुश्मन की तरफ से आपके ऊपर अटैक करना है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं। इसलिए दुनिया ने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इससे सीख लेकर इंडिया जैसी कंट्री ने भी इसको बनाना शुरू कर दिया। जाता है कि रूस ने फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर हमला किया, तब रूसी सेना के यूक्रेन की सीमा पर पहुंचने से पहले रूस की ओर से एक साइबर हमले को अंजाम दिया गया जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े इंटरनेट को चरमरा दिया।
सेना को अगर सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट्स की बात करें तो सबसे बड़ी मदद ये मिलती है कि सैटेलाइट पिन पॉइंटेडली आपको एग्जैक्ट नियरेस्ट टू द मीटर दिखा पाती है कि दुश्मन कहां से शुरू कर रहा है, कहां प्रोग्रेस कर रहा है, कहां हेड कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, किस तरह के वेपन इक्विपमेंट सिस्टम्स वो इस्तेमाल में ला रहा है, कितना फोर्स लेवल लेकर आ रहा है। अगर इस तरह की खबर एज अ डिफेंडर आपको पहले मिलती है तो जायज बात है कि आपको एक एडवांटेज मिलता है कि उनको डेप्थ एरियाज में एंगेज कर लें या उनको फॉरवर्ड एरियाज डिनाई कर दें, उनके ऊपर रेड कर पाए, उनके ऊपर एयर अटैक कर पाए, उनके ऊपर आर्टिलरी अटैक कर पाए, मिसाइल अटैक कर पाए, हर वो चीज पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि दुश्मन की जो प्ले फील्ड है वॉर फील्ड की, वो एक तरह से आप ट्रांसपेरेंटली पढ़ पाते हैं आपसे 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अपनी दूरी से। सो जहां से दुश्मन अपने आप को स्टार्ट करता है आप उसको वहां पर भी रोक सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, किल कर सकते हैं। जैसे जैसे सैटेलाइट कंसल्टेशन का निर्माण हो रहा है, सरकारें ऐसी तकनीक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जो न केवल जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी विरोधियों को नुकसान कर सके, जैसा कि रूस ने किया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देश ऐसा मानते हैं कि फरवरी 2022 में जमीनी आक्रमण करने से पहले यूक्रेन के कमांड एंड कंट्रोल को ठप करने की कोशिश की गई और इसी उद्देश्य से हमला किया गया। सैटेलाइट हमले का असर ये हुआ कि वहां पर यूक्रेन को ऑनलाइन होने के दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ा। दुनिया में कुछ समय पहले तक सिर्फ रूस के पास ही स्पेस फोर्स थी। इसके बाद चीन और अमेरिका ने भी खुद को स्पेस वॉर के लिए तैयार किया। अंतरिक्ष की अहमियत, चुनौतियों और बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका स्पेस फोर्स का गठन कर चुका है। यूएस स्पेस फोर्स के प्रमुख जनरल जॉन डब्ल्यू रेमन ने कहा था, अमेरिका अंतरिक्ष युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन सभी क्षेत्रों की तरह यूएस आर्मी को इस तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी तैयारी और बदलाव की आवश्यकता होगी। मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि हम अंतरिक्ष शक्ति बने बिना जीत हासिल कर सकते हैं या आधुनिक तरीके से लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका का जानी दुश्मन उत्तर कोरिया भी स्पेस रेस में दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपने दूसरे स्पाई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की, जो नाकाम रही। दरअसल अंतरिक्ष से अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए नॉर्थ कोरिया लगातार जासूसी सैटेलाइट तैनात करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका आधारित सैन्य खतरों से निपटने के लिए स्पेस में भी अपने एक स्पाई सैटेलाइट को भेजने के लिए विकल्प पर विचार करना शुरू किया और उत्तर कोरिया ने उसे वहां पर भेजा भी। साल 2023 में ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने गवर्निंग पार्टी की बैठक में ऐलान कर दिया था कि नॉर्थ कोरिया 2024 में तीन और मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए उत्तर कोरिया पर बैन लगा रखा है, जबकि उत्तर कोरिया ने लगातार कहा है कि उसे सैटेलाइट लॉन्च करने और मिसाइलों का परीक्षण करने का अधिकार है। नॉर्थ कोरिया का अगर कोई दुनिया में नंबर वन एनिमी है, मैं तो कहूंगा ओनली अगर एनिमी है तो वो है यूएस। डिक्लेयर्ड एनिमी है, नोन एनिमी है। और नॉर्थ कोरिया ये बड़े अच्छे से जानता है कि यूएस के पास सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट्स के रिलेशन में एक बहुत अलग तरीके की एडवांटेज है, जो कि एक तरह से नॉर्थ कोरिया के लिए डिसएडवांटेज प्रूव होती है। अब जो नॉर्थ कोरिया की प्रोग्रेस है ऑन स्पाई सैटेलाइट, वो सिर्फ इसीलिए है कि जिस तरीके से वो अपने आप को घिरा पाता है और स्पेशली नेटो कंट्रीज द्वारा, क्योंकि नेटो कंट्रीज यूएस के साथ चलेंगी, सो उसने अब इस पर काम करना इसीलिए शुरू किया है कि किस किस कंट्री से कितनी थ्रेट कहां से कितनी बन रही है, अगर उसको जज करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास स्पाई सैटेलाइट हो। साथ ही साथ उसे ये भी पता है कि जब भी कभी लड़ाई उसकी यूएस से होगी, ये लड़ाई स्पेस वॉर में कन्वर्ट अपने आप होगी,
वहां पर भी उसे मालूम है कि उसको एक डिसएडवांटेज रहेगा अगर वो स्पाई सैटेलाइट नहीं लाता। उसका सारा सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट और स्पाई सैटेलाइट तीनों प्रोग्राम यूएस सेंट्रिक है। अगर स्पेस वॉर हुई तो क्या होगा, इसका धरती पर असर क्या होगा, क्या अंतरिक्ष से किसी भी देश को घुटने पर लाया जा सकेगा? ये चंद ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। अगर स्पेस वॉर हुई तो सबसे पहले मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट किया जा सकता है। मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए वॉरशिप्स, फाइटर प्लेन्स और दूसरे एडवांस वेपन्स का डेटा और लोकेशन मिलती है। ऐसे में अगर सैटेलाइट तबाह हो गई तो फाइटर एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलें टेक ऑफ नहीं कर पाएंगी, और अगर सीक्रेट सैटेलाइट पर अटैक हुआ तो पूरा मिलिट्री सिस्टम कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर युद्ध क्षमताओं पर होगा, जैसे कि हथियारों और सैनिकों को जीपीएस से दिशा निर्देश देने में मुश्किलें आएंगी, दुश्मनों की गतिविधियों की निगरानी से लेकर कमांड और कंट्रोल की सुविधा पर सीधा असर होगा। जिस तरीके से दुनिया स्पेस में आर्म्स ले जा रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, एंटी सैटेलाइट वेपनरी डिप्लॉय कर रही है और डेवलप कर रही है, जिस तरीके से हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स और मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं और री एंट्री वाले जो बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो पहले जाएंगे स्पेस में और वहां से री एंटर होकर नीचे आएंगे, सो दैट नीचे उसको डिटेक्ट न करना उतना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ दिखाता है कि दुनिया स्पेस वॉर की तरफ जरूर बढ़ रही है, हालांकि वो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक और खौफनाक हो सकता है। सैटेलाइट हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। एटीएम से पैसे निकालने से लेकर टेलीफोन और इंटरनेट तक के चलाने में इसकी अहम भूमिका होती है। सैटेलाइट पर हुआ हमला हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। अगर हम सैटेलाइट्स के अच्छे इस्तेमाल की बात करें पब्लिक के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, तो इसके बहुत सारे यूज हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं, वेदर फोरकास्ट अपने आप में बड़ी अच्छी कर सकता है, वेदर वार्निंग्स, ओशंस के ऊपर लहरों का उठना या सुनामी आना बहुत अच्छे से काम कर सकता है, आपके रोजाना के इस्तेमाल में जीपीएस सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब उसके काम में है, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा का पूरा रिवोल्यूशनाइज हो चुका है, डेवलप हो चुका है एक उस दर्जे पर कि आज आप इंस्टेंट कॉल कहीं भी कर सकते हैं पूरी दुनिया में, ये उसके अच्छे इस्तेमाल है। और अगर सैटेलाइट से रिलेटेड वॉर होती है और इन सबको डिनाई किया जाता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके ह्यूमैनिटी पर आएगा, आपके लोगों के इस्तेमाल में जो चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि डेवलपमेंट में अगर आपकी एफिशिएंसी आई है सैटेलाइट्स की वजह से, वो सारी की सारी आपके लिए एक डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सैटेलाइट्स का नाश होना अपने आप में हमें शायद प्रोग्रेस के तौर पर 100 साल पीछे जरूर ले जाएगा। आज अलग अलग अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। मई 2023 में यूसीएस यानी यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट के नए आंकड़ों के मुताबिक 7500 से ज्यादा सैटेलाइट धरती की परिक्रमा कर रही हैं। इनमें से 5000 से ज्यादा सैटेलाइट अमेरिका के हैं, वहीं चीन के पास 628 सैटेलाइट हैं और रूस के पास 200 से कम सैटेलाइट हैं। पहले सैटेलाइट अपनी कक्षा में महफूज समझे जाते थे, लेकिन जब से एंटी सैटेलाइट वेपन की ताकत सामने आई है, सैटेलाइट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एंटी सैटेलाइट हथियार क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल ये एक तरह की मिसाइल है जो तेज गति से यानी कि तेज रफ्तार से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ती है और धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रही दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह कर देती है। इस वक्त एएसएटी वेपन सिस्टम अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कारगर हथियार माना जा रहा है।
आपको बता दें कि पूरी दुनिया के सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ASAT वेपन्स हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन और भारत। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरस्पेस भी कहते हैं। ये एक्सो एटमॉस्फेयर यानी कि धरती के वातावरण से बाहर और इंडो एटमॉस्फेयर यानी कि धरती के वातावरण के अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय ASAT मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जो 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। इसी मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट को मार गिराया गया था। इसे अपग्रेड कर ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुरानी मिसाइल को अपग्रेड किया, यानी कि उसमें नए एलिमेंट्स जोड़कर उसे और ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बना दिया। सीधा मतलब यह है कि पृथ्वी को और ज्यादा अपग्रेडेड किया गया है और इसके बाद मिशन शक्ति में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी हुआ। भारत से पहले चीन ASAT की ताकत को हासिल कर चुका था, लिहाजा भारत के लिए जरूरी हो गया था कि वो भी दुश्मन की चुनौतियों के हिसाब से खुद को तैयार करे, और भारत ने ये करके दिखाया। 27 मार्च 2019 को भारत ने दुनिया को बताया कि अब हम अंतरिक्ष में भी अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं और अंतरिक्ष से होने वाले हमले से खुद को बचा सकते हैं। इस ऑपरेशन का नाम था मिशन शक्ति। एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। ASAT की ताकत को आज दुनिया जान और समझ चुकी है। अगर दुश्मन देशों को घुटने पर लाना है तो उसके सैटेलाइट सिस्टम को ठप करना एक बड़ा कदम होगा। लिहाजा एंटी सैटेलाइट मिसाइल की ताकत को बढ़ाने के लिए चीन और रूस जैसे देश तेजी से काम कर रहे हैं। ASAT कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। एंटी सैटेलाइट वेपन में बारूद नहीं होता, इसे काइनेटिक किल वेपन कहा जाता है, यानी ये वेपन काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करता है। इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होती है, सैटेलाइट के ऊपर मेटल का गोला गिर जाता है और वो उसे गिरा देता है। ये वेपन किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम करता है। एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम मेरे हिसाब से सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और इंडिया उसका पार्ट है लकीली। एंटी सैटेलाइट सिस्टम में जहाज एक काइनेटिक बीम को लेकर जाता है, जो वॉरहेड की बात कर रहे हैं वो वॉरहेड इज अ काइनेटिक बीम, काइनेटिक एनर्जी का एक बंडल है, एक बीम है जिसको उस जहाज पर लैस किया जाता है। जहाज अपनी उड़ान लेता है, 30 किलोमीटर ऊपर जाएगा, 25 किलोमीटर ऊपर जाएगा और वहां से जब वो छोड़ता है तो उसकी रेंज जो होती है तकरीबन 650 किलोमीटर और एडिशनल हो जाती है जो वो बीम जाती है, और वो बीम जाकर उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि वो बीम की एनर्जी इतनी हाई है कि उसके अंदर के सारे सर्किट्स और उसके अंदर की सारी जो गैजेटरी है वो उसके बीम से जल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई सैटेलाइट डेड हो जाती है। अंतरिक्ष में पनपते खतरे को देखते हुए अमेरिका ये लगातार कह रहा है कि रूस की ओर से ऐसा हथियार तैयार किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में किया जा सकता है, और तो और इसे परमाणु शक्ति से लैस किया जा सकता है जो सैटेलाइट पर हमला करने में इस्तेमाल होगा। ऐसी आशंका उस ताकत से उभरी है जिसे रूस ने हासिल किया था। सोवियत संघ के समय अल्माज सीक्रेट मिलिट्री वेपन स्टेशन बनाया गया था जिसमें 23 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी थी।
ताकि इसके ऊपर होने वाले हमले या फिर टारगेट को खत्म किया जा सके। अब तक इतिहास में सिर्फ यही इकलौता ऐसा हथियार है जो अंतरिक्ष में तैनात किया गया। ऐसे में अमेरिका का डर लाजमी है। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की कोशिश 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसे रोकने के लिए साल 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी का गठन किया गया था। इस संधि के मुताबिक अंतरिक्ष में ऑर्बिट में परमाणु हथियार तैनात करने पर प्रतिबंध है। वही अप्रैल 2022 में अमेरिका पहला देश बना जिसने मिसाइल से सैटेलाइट को मारने पर प्रतिबंध लगाया। सिर्फ एंटी सैटेलाइट मिसाइल ही खतरा नहीं है, बल्कि आज लेजर और माइक्रोवेव वेपन के जरिए भी सैटेलाइट को तबाह करने या निष्क्रिय करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने साल 2005 में जमीन से लेजर गन चलाकर अंतरिक्ष में उपग्रह को नाकाम करने का सफल प्रयोग किया था। भारत भी एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक को कबाड़ बना सकता है। हम उस सीक्रेट वेपन के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं जहां से स्पेस वॉर की शुरुआत हुई। 1955 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने एक घोषणा की। प्रेस वार्ता में उन्होंने ऐलान किया कि साल 1957 से 58 के बीच में अमेरिका एक स्मॉल अर्थ सर्कलिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। बस इसी वार्ता के बाद यूएसएसआर में भी खलबली मच गई अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर। यूएसएसआर स्पेस में आगे निकलने के लिए इतना सीरियस हो गया कि उसने एक महीने के भीतर ही एक सैटेलाइट का निर्माण कर दिया जिसे नाम दिया गया स्पुतनिक 1। इससे पहले यूएसएसआर ने 1957 में ही R7 नाम का रॉकेट डेवलप कर लिया था जो दुनिया की सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। 4 अक्टूबर 1957 को मिसाइल लॉन्च करता है और स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। और यहीं से यूएस और यूएसएसआर के बीच स्पेस रेस की शुरुआत हो गई। अगर स्पेस रेस की बात करें तो आपको याद आएगा 70s और 80s में यूएस का एक बड़ा फेमस प्रोग्राम था स्टार वॉर, जिसमें समझा ये गया था कि आप स्पेस में एक वेपन सिस्टम ऐसा डिप्लॉय करेंगे जो वहीं से काम करते हुए अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का अटैक कहीं से भी आता है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। सो अगर वेरी स्पेसिफिकली बात करें, स्टार वॉर रुका ही इसीलिए था क्योंकि जब शुरुआत में यूएसएसआर ने भी उसके खिलाफ अपना स्टार वॉर प्रोग्राम स्टार्ट करना शुरू करा था। सो दोनों का अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ कि वो ना केवल अनअफोर्डेबल है बट वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डेंजरस है, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस है बिकॉज इट वुड हैव लेड टू अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। इस वजह से उसको हॉल्ट किया गया था, बट फिर भी स्पेस की तरफ दोनों ही कंट्रीज का झुकाव अभी भी है। स्पुतनिक 1 की कामयाबी के बाद 2 महीने में ही यूएसएसआर ने स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया। इसके जरिए लाइका नाम के डॉग को स्पेस में भेजा गया। स्पेस में यूएसएसआर का जेती से दौड़ लगाने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। मई 1958 को यूएसएसआर ने स्पुतनिक 3 लॉन्च कर दिया। साल 1959 में सोवियत संघ के ल्यूनिक 3 एयरक्राफ्ट ने चांद से चांद के डार्क यानी कि फार साइड का फोटो खींचा जो अंतरिक्ष में यूएसएसआर की सबसे बड़ी छलांग थी। उधर यूएसएसआर के तेजी से बढ़ते स्पेस प्रोग्राम को देखते हुए अमेरिका भी स्पेस मिशन को लेकर बेचैन हो गया। स्पुतनिक 1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद अमेरिका में खलबली मच गई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी तुरंत प्रभाव से वैनगार्ड TV-3 रॉकेट लॉन्च करने के लिए कह दिया। इसकी तैयारी पूरी हो गई, रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर ले जाया गया, लेकिन जैसे ही इसको लॉन्च करना था तुरंत उसमें आग लग गई। यानी जल्दबाजी में लिया गया कदम फेल हो गया। अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के फेलियर होने के बाद दुनिया भर की मीडिया में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का मजाक उड़ाया गया। हालांकि इस नाकामी से अमेरिका के कदम थमे नहीं। 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका ने नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की।
उस वक्त नासा का एक ही मकसद था कि दुनिया में खोई हुई इज्जत को एक बार फिर से वापस लाना। नासा ने कुछ अलग करने के लिए स्पेस में इंसानों को भेजने पर विचार किया, जिसके लिए यूएस एयरफोर्स के कुछ पायलट को चुना गया, उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई। लेकिन नासा का अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का सपना सपना ही रह गया। रूस ने एक बार फिर अमेरिका को स्पेस सेक्टर में स्लो साबित कर दिया। अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने वॉस्टॉक 1 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, जिसके जरिए पहली बार किसी इंसान को स्पेस भेजा गया। पहले एस्ट्रोनॉट का नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने वॉस्टॉक 1 स्पेस क्राफ्ट के जरिए 108 मिनट में धरती का एक चक्कर भी लगाया था, और इस तरह एक बार फिर सोवियत संघ ने यूएस को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका यूएसएसआर से काफी पीछे नहीं था, उसने महज एक महीने बाद ही यानी कि मई 1961 में एलन शेपर्ड नाम के एस्ट्रोनॉट को स्पेस भेजा। एलन पहले अमेरिकन थे जो स्पेस में गए, और उन्होंने सब ऑर्बिटल फ्लाइट का संचालन किया। अमेरिका के इस कारनामे से ये बात तो साबित हो गई कि स्पेस में सिर्फ सोवियत यूनियन का ही कब्जा नहीं है, अमेरिका ने चांद पर इंसान को भेज दिया, जिसके लिए सोवियत यूनियन लगातार कोशिश कर रहा था। चांद की चमक ने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया, और उसके बाद शुरू होती है स्पेस पर फतह की जंग। आज भारत दुर्गा और रेलगन की तरह लेजर वेपन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में एक है काली यानी किलो एम्पेयर लाइन इंजेक्टर। काली भारत का ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके नाम से ही कांपते हैं दुश्मन। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगू बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ बना सकता है। जैसे जैसे लेजर तकनीक के बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। हर देश अपनी ओर से अपनी लेजर तकनीक को और ज्यादा विकसित करने में जुटा हुआ है, और भारत में काली आने वाले समय में दुश्मन के लिए काल साबित हो सकती है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देती है। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। किसी भी तरह की एक हाई एनर्जी काइनेटिक बीम जब किसी एक दुश्मन के ऊपर छोड़ी जाती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स, एक हाई इंटेंसिटी की पल्स, वो उसको वहां पर जाकर स्ट्राइक करती है। उस जहाज के अंदर जितने सर्किट हैं, उस सैटेलाइट के अंदर जितने सर्किट हैं, उस नेवल शिप के अंदर जितने सर्किट हैं, उस मिसाइल के अंदर जो वेपन सिस्टम है उसको वॉरहेड एक्टिवेट करने की जो चिप है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड दैट इज वाई वो पर्टिकुलर वेपन अपने आप में डेड हो जाता है, वो एयरक्राफ्ट डेड हो जाता है, क्योंकि उसमें ना सुनने की ताकत रहती है, ना उसके कंट्रोल्स की ताकत रहती है। इट इज एज गुड एज अ डेड यू नो कॉफिन फ्लाइंग अप इन द एयर। साल 1985 में काली के निर्माण का विचार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किया गया। आज काली के कई वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें काली 1000 सबसे शक्तिशाली माना जाता है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकंड 1 गीगावाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता है। अब काली के लेटेस्ट प्रारूप से 60 नैनो सेकंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगे निकलती है, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती है। काली एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है इंडिया का। काली का फुल फॉर्म होता है
किलो एम्पियर के ए एल लीनियर इम्पल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक वो स्पीड दी जाती है एक बीम के तौर पर कि वो जिस टारगेट को अगर एयरक्राफ्ट और मिसाइल ये स्पेशली उन दोनों के खिलाफ काम आता है क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्पीड अप किया जाता है इतनी इंटेंसिटी उनकी हाई करी जाती है कि जो इनकमिंग जो दुश्मन का जहाज और जो मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड दैट इज व्हाई वो वेपन सिस्टम जो आपके लिए एक काल बन के आने वाला था वो वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो अपने आप में ये एक बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट है इंडिया का। इसके ऊपर डीआरडीओ और बाबा एटॉमिक दोनों ने मिलकर काम किया है और सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। इंडिया के पास एडवांटेज यह है कि इसको अब हमें अपने पास रखे हुए काफी टाइम हो गया। इफ आई एम राइट आई थिंक 1989 के करीब इसके ऊपर रिसर्च वर्क शुरू हुआ था और अब हम बड़ी प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली काबिलियत है। आज हमारी जिंदगी काफी कुछ सैटेलाइट पर ही निर्भर है। ट्रेन से लेकर हवाई जहाज, समंदर में चलने वाले शिप और सबमरीन, यहाँ तक कि दुनिया की सभी सेनाओं के अलावा हमारे मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी, सभी कुछ सैटेलाइट पर ही निर्भर है। आज हजारों उपग्रह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं और इनके बिना भविष्य की कल्पना करना मुश्किल है। लिहाजा स्पेस की सुरक्षा दुनिया के लिए एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। रण क्षेत्र में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।